बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेक्चर टू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारे सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रही है, पेशेंट कंप्लाइंस एंड हेल्थ बिहेवियर मॉडल्स। उसमें हमने जो कंप्लाइंस हैं और उसकी जो मुख्तलिफ इंटरचेंजेबल डेफिनेशंस हैं वो हमने पढ़ ली, और मेजरमेंट के मेथड्स हमने देख लिए, वो डिस्कस कर लिए। अब हम आ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ नॉन कंप्लाइंस, क्या क्या हो सकती हैं या पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस, इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन नॉन इंटेंशनल कंप्लाइंस द पेशेंट इज अनअवेयर दैट ही और शी इज नॉट टेकिंग द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। मीन्स के पेशेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कंप्लाइंस को फॉलो ना करने की या कंप्लाइंस ना करने की। नॉन कंप्लाइंस की कोई इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो बाई चांस हो जाता है, वो कोई इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। इसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट मे कंट्रीब्यूट टू पुअर कंप्लाइंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस ऑथर्स, हाउएवर नन ऑफ दीज अपीयर टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ और कंसिस्टेंट। यानी ऐसा नहीं है कि तमाम पेशेंट्स में या मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में वही फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है फॉर नॉन कंप्लाइंस में, बल्कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स विच कंट्रीब्यूट फॉर नॉन कंप्लाइंस। इसी वजह से इनमें कोई इस कंसिस्टेंसी डेटा में नहीं है। द रेफरल प्रोसेस, क्लिनिकल सेटिंग एंड थेरेप्यूटिक रेजिमेन डू नॉट सीम टू अफेक्ट एडेरेंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ऑल्दो इन सम केसेस अटेंडिंग ए स्पेशलाइज और प्राइवेट क्लिनिक मे इंक्रीज द कंप्लाइंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे देखें, अगर पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हाइपरटेंशन क्लिनिक होती है, एंटीकॉगुलेंट क्लिनिक होती है, NICVD जो है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर है, वहाँ भी एंटीकॉगुलेंट क्लिनिक होती है, हाइपरटेंशन क्लिनिक होती है, जहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं पेशेंट की काउंसलिंग के लिए। तो ये देखा गया है, डेटा ये कहता है कि इन क्लिनिक्स में, स्पेशलाइज सेंटर्स में जब पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, तो ऑब्जर्व ये किया गया है कि इससे कंप्लाइंस बेहतर होता है, कंप्लाइंस इंक्रीज होता है। ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस हैज़ बीन नोटेड बिटवीन कंप्लाइंस विद ट्वाइस डेली एंड थ्राइस डेली रेजिमेन। कंप्लाइंस ऑल्सो ड्रॉप सिग्निफिकेंटली व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सीड्स 5 डेज। अच्छा, ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ट्वाइस डेली और अगर थ्राइस डेली हो तो उसमें जो है वो कंप्लाइंस जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, और अगर जो है कंप्लाइंस ऑल्सो ड्रॉप सिग्निफिकेंटली व्हेन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सीड्स फाइव डे, यानी ग्रेटर देन 5 डे हो, तो फिर उससे जो है भी कंप्लाइंस पर डिफरेंसेस आते हैं। अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, अब उसमें और क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसको भी हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि डेमोग्राफिक फैक्टर, जिसमें आ जाए आपके फीमेल जेंडर हैं, अक्सर व बेशतर घर की उमूर खानादारी में वो ये भूल जाती हैं कि उनको दवा भी लेनी है। वेरी यंग इंडिविजुअल केयरलेस होते हैं, एडोलिसेंट्स भी केयरलेस होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स, नज़र सही नहीं आता, सुनाई सही नहीं देता, उन्होंने सही सुना नहीं, उसको फार्मेसिस्ट ने जो है वो काउंसलिंग करते वक्त ये बताया था कि दवा 3 टाइम लेनी है, लेकिन उसको सुनाई दिया कि जो है वो 2 टाइम लेनी है, या उसको कहा गया कि दवा खाने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, वो उसको वो याद नहीं रहा, या उसको डिमेंशिया भी है, भूल भी जाता है, तो ये चीज़ों की वजह से कंप्लाइंस में प्रॉब्लम आता है डेमोग्राफिक। इसके अलावा नॉन कॉकेजियन रेसेस में भी देखा गया है कि ये लोग भी होते हैं, नॉन कॉकेजियन जो है दे यूजुअली डू नॉट केयर अबाउट देयर ड्रग्स, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स, लोअर सोशल क्लासेस और अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल में भी इसमें ये फैक्टर हो सकता है कि इनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि ये पाबंदी से मेडिकेशन ले सकें, इस वजह से दे आर नॉट गुड कंप्लाइंट ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइसेस। अच्छा, डिजीज़ में अगर देखा जाए, ये भी फैक्टर है, पेशेंट्स विद कंडीशन दैट रिक्वायर प्रोफाइलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट, माइल्ड सिम्टोमेटिक कंडीशन, क्रॉनिक conditions, conditions वेयर बाई द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रीटमेंट इज डिलेड, फॉर example एपिलेप्सी, इसमें भी पेशेंट अक्सर नॉन कम्प्लाइंट हो जाते हैं कि प्रोफाइलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि प्रोफाइलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट में आप वो ड्रग या वो ट्रीटमेंट या वो वैक्सीन ले रहे हैं जो डिजीज़ अभी आपको हुई नहीं है, और आपके जहन में ये
एक सवाल जन्म ले सकता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसी कोई खास दवा की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से कंप्लाइंस पुअर हो सकता है। कोई ऐसी डिजीज़ है जिस जो कि कंडीशन है ए सिम्टोमेटिक है, तो उसमें भी आपकी वही सेम सिचुएशन होगी कि आई एम ओके, आई डू नॉट नीड ड्रग। क्रॉनिक कंडीशन में ये होता है कि जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं अक्सर वो दवा खाते खाते पाबंदी से तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसमें फिर वो बीच में मेडिकेशन छोड़ भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर एक और फैक्टर और हो सकता है, जैसे कंडीशंस वेयर बाय द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज डिलेड बाय एग्जाम्पल, यानी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसका जिसको अगर बंद कर दें तो उसका जो टर्मिनेशन के बाद जो यानी जो विड्रॉवल इफेक्ट है वो काफ़ी अरसे के बाद आता है, लाइक एपिलेप्सी, तो उसमें भी जो है अक्सर पेशेंट जो है वो मेडिकेशन जो है वो पाबंदी से नहीं लेता और कंप्लाइंस उसका पुअर हो जाता है। अच्छा, पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए, नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिजल्टिंग इन सोशल स्टिग्मा, पैरानोया और हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ बिकमिंग डिपेंडेंट अपॉन द ट्रीटमेंट, यानी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं सोशल स्टिग्मा, किसी के सामने मेडिकेशन नहीं लेनी, वो कहेंगे कि भाई ये तो दवा खाते हैं पता नहीं क्या मसला है उनको, पैरानॉइड है, हाइपरकॉन्ड्रिया यानी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं या फियर हैं कि जो है वो ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उस वजह से वो पाबंदी से ड्रग नहीं ले रहे या उतनी डोज में नहीं ले रहे जितनी कि उनको प्रिस्क्राइब की गई है। अच्छा, ट्रीटमेंट में फिर लॉन्गर ड्यूरेशन, वही क्रॉनिक, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, उसमें भी भूल जाते हैं, रोज़ाना एक मेडिकेशन एक टेबलेट लेना आसान है कंपेयर टू इस तरह से कि जो है वो रोज़ाना 4 दफ़ा उसको रिकमेंड कर दी जाएगी, एवरी 6 आवर आपने लेना है, क्योंकि उसमें भूलने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप बिज़ी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स है वो सुबह की डोज़ आराम से ले लेता है लेकिन वर्किंग टाइम की वजह से वो बीच की डोजेज भूल जाता है, तो वो ये हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग में कंप्लाइंस पुअर हो जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, उसमें भी यही होता है कि वो भूल जाता है कि पता नहीं कौन सी मैंने खाई या नहीं खाई अगर बहुत सारी प्रिस्क्राइब हुई हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ये भूल जाता है। पेरेंटल हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ कंप्लाइंस, क्योंकि पेरेंटल जो है वो याद रहता है। टेबलेट साइज, डोजिंग रेजिमेन, अपियरेंस, कलर एंड टेस्ट ऑफ मेडिकेशन, बच्चों में भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट होता है, अपियरेंस कैसी है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, अगर वो सही नहीं हो तो पेशेंट बच्चे भी जो है वो कंप्लाइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। सोशल फैक्टर्स है विडोड इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स विद लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, पुअर फैमिली टाइज, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ अदर्स इन द कम्युनिटी, लैक ऑफ सोशल हेल्प और लोकल हेल्प, ये तमाम फैक्टर्स जो होते हैं क्योंकि वो सोशल फैक्टर्स हैं और वो इंडिविजुअल अपने आप को आइसोलेटेड समझता है, वो समझता है कि मैं माशरे का कोई कारामत शख्स नहीं हूँ, तो मैं बेकार शख्स हूँ, लिहाजा मेरी किसी को परवाह नहीं है, लिहाजा मुझे भी शायद ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए वो भी अक्सर व बेशतर ये करता है कि वो भी पाबंदी से मेडिकेशन नहीं लेता है। अच्छा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इसे भी बहुत बड़ा काउंट करता है। पुअर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेशेंट के कंप्लाइंस में अपना रोल प्ले करता है, और इसको भी अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए वेन एवर यू आर डीलिंग विद द कंप्लाइंस, क्योंकि जितना पेशेंट का डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, जितना फ्रेंडली और फ्रैंक रिलेशनशिप होगा, वो पेशेंट फिर उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात सुनेगा भी, समझेगा भी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेगा। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, स्पेशली अपने फार्मेसिस्ट कोलीग्स को ये कहना चाहूँगा कि उनका एटीट्यूड और बिहेवियर पेशेंट्स के साथ इस तरह का होना चाहिए कि वो आपसे इंस्पायर हों, क्योंकि जब वो आपसे इंस्पायर होंगे तो वो ज़रूर आपकी बात को फॉलो करेंगे। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। ओवर द ईयर्स वेरियस मॉडल्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय न्यूमरस ऑथर्स। वेरिएबल्स ऑफ दीज हेल्थ केयर मॉडल्स कैन ऑफन बी ट्राई टाइड इन विद प्रिडिक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट कंप्लाइंस। तो अब हम उन मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं और उन मॉडल्स में सबसे पहले हम एक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इन द हेल्थ, वो मॉडल है बेसिकली हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, क्या कहता है कि कंप्लाइंस इज डिटरमिंड अपॉन द नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। कि कंप्लाइंस आप किस चीज़ से डिटरमिन कर सकते हैं कि पेशेंट की नॉलेज क्या है ट्रीटमेंट के हवाले से और पेशेंट का एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एटीट्यूड ये है कि
अगर हम पेशेंट के एटीट्यूड की बात करेंगे तो पेशेंट का एटीट्यूड ये होगा कि वो पेशेंट व्हाट पेशेंट से एंड व्हाट पेशेंट डू, पेशेंट क्या कहता है और पेशेंट क्या करता है, ये है बेसिकली एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का एटीट्यूड अगर ये है कि वो कहता है हाँ मैं दवा पाबंदी से लूँगा, लेकिन वो ले नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो उसका एटीट्यूड नेगेटिव है। और शुरू से ही हो सकता है कि उसने पहले ही कह दिया कि मैं, तो पेशेंट ने कह दिया कि मैं दवा पाबंदी से नहीं ले सकता या मैं नहीं खाऊँगा। सो द फोर मेन कॉन्सेप्ट्स दैट डायरेक्ट पेशेंट्स असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर, जिसको हम यहाँ पर उन चार फैक्टर्स को क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसी हेल्थ बिलीफ मॉडल में, सबसे पहले एक है वो चार फैक्टर्स में परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी। ये क्या चीज़ है परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, हमें ये बताएगा एन इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ द रिस्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग ए कंडीशन, के इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव अपना परसेप्शन है कि रिस्क क्या है उस कंडीशन से और मेडिकेशन से। फिर क्या है परसीव सीवियरिटी, कंसर्न्स रिगार्डिंग द सीवियरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एन इलनेस और लीविंग इट अनट्रीटेड, वो क्या समझता है कि क्या मैं इसको ट्रीट करूं या मैं इसको छोड़ दूं, अनट्रीटेड कर दूं। फिर परसीव बेनिफिट द फैक्ट दैट एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक रेजिमेन ओनली इफ इट इज़ परसीव्ड एज फिजिबल एंड एफिकेशियस, अगर वो समझता है कि इसका बेनिफिट है, परसीव बेनिफिट है, तब तो वो कि इसकी एफिकेसी भी है, फिजिबल है, तो फिर वो इसको मेडिकेशन को लेगा। परसीव बैरियर क्या है, रेफर टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थेरेपी इंक्लूडिंग कॉस्ट, साइड इफेक्ट्स, डेंजर, इनकन्वीनियंस एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, कि इसमें मेडिकेशन लेने में क्या क्या बैरियर है। हो सकता है कि वो कॉस्ट इज़ ए बैरियर, वो अपनी जेब से खरीदने की पोजीशन में नहीं हो और उसको कोई नहीं दिला सकता हो। साइड इफ़ेक्ट्स बाज दफ़ा बैरियर बन जाते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट से डर जाता है और वो मेडिकेशन नहीं लेता। कोई उसको ऐसा फियर है कि जिसकी वजह से, या डेंजर है जिसकी वजह से वो नहीं लेता मेडिकेशन, या कोई ऐसे फियर्स हैं। इनकन्वीनियंट है पेशेंट के लिए कि वो मेडिकेशन जो है उस टाइम पर ले सके या वो डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ कर सके। एंड टाइम कंस्ट्रेंट, जैसे हमने बताया कि अगर उसको हमने मेडिकेशन ऐसे प्रिस्क्राइब कर दी है कि जिसको दिन में जो है वो चार दफ़ा लेना है, तो अब उसके पास टाइम नहीं होता दिन में कि वो याद से वो मेडिकेशन ले सके, ख़ासतौर से वर्किंग के दौरान वो भूल जाता है। तो ये जो मैटर्स हैं इनको अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए कि ये वो हेल्थ बिलीफ मॉडल में हमें बता रहे हैं कि परसीव ससेप्टेबिलिटी है, परसीव सीवियरिटी है, परसीव बेनिफिट्स हैं, परसीव बैरियर्स हैं, और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये मॉडल क्या कर रहा है, दिस मॉडल एक्सप्लेन अबाउट 10% ऑफ द वेरियंस इन द कंप्लाइंस वेरिएबल, इनकॉर्पोरेटिंग द वेरिएबल फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शंस एक्सप्लेन्स ए फर्दर 19% ऑफ द वेरियंस। यानी इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं इनके अलावा जिनको जो के कंप्लाइंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इन जो जिस दिस मॉडल में, इस मॉडल में ये जो चार फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% है। द थ्योरी ऑफ रीजंट एक्शन प्रपोज्ड बाय एजिन एंड फिशमैन स्टेट्स दैट द सफिशेंट नॉलेज एंड फुल इंटेंशन टू प्रैक्टिस हेल्दी बिहेवियर आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग ए हेल्दी आउटकम। ठीक है, ये एजिन एंड फिशमैन स्टेट करते हैं कि सफिशेंट नॉलेज चाहिए और फुल इंटेंशन चाहिए एक हेल्दी बिहेवियर को क्रिएट करने के लिए। वो हेल्दी बिहेवियर क्या है कि कंप्लाइंस होगा, ठीक है, और दैन एट दी एंड जो आउटकम आएगा वो हेल्दी आउटकम होगा। A more recent version of health belief model incorporates two more variable. दो मेर वेरिएबल और ऐड किए गए हैं इसमें, वो क्या है, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या है, द पेशेंट्स बिलीव दैट ही और शी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड एक्शन, वो कर सकते हैं जो उनको उनके लिए मुमकिन हो, वो जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन ये कि वो इनहेलर लेना है तो डिवाइस को यूज़ करना है, तो वो क्या वो डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ करने को परफॉर्म की डिलीवरी को परफॉर्म कर सकते हैं कि वो ड्रग कैसे डिलीवर होगी। अच्छा, इसके अलावा क्यूज टू एक्शन रिमाइंडर फॉर पेशेंट टू परफॉर्म द एक्शन, कि पेशेंट को रिमाइंडर दिया जाए हाउ टू डू दैट एक्शन। एक और जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जब इनहेलर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ख़ास तौर से एस्मेटिक पेशेंट्स को,
या रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के पेशेंट को। अब उसमें हम बीटा टू एगोनिस के इनहेलर भी देते हैं, स्टीरॉयड के इनहेलर भी प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए पल्मोनरी इनहेलर। तो उसमें ये लिखा था कि पेशेंट को हर विजिट में इनहेलर यूज़ करने की टेक्निक्स जो है वो बताई जाए, क्योंकि हो सकता है कि पिछली दफ़ा जब वो पेशेंट ने इनहेलर लिया था, आपने उस वक्त बात जो उसको या बताई थी या जो काउंसलिंग की थी दैट हाउ टू यूज़ द इनहेलर, हो सकता है उसमें से कुछ पॉइंट्स वो भूल गया हो और उसमें ड्रग जो है वो लॉस हो रही हो और कंप्लाइंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा हो। तो इसी वजह से हर विज़िट में ये ज़रूरी है कि उसको जो है वो कंप्लाइंस के हवाले से, ये ज़रूरी है कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए हर विज़िट में यू नीड टू रिपीट द टेक्निक्स टू यूज़ द इनहेलर। इस वजह से जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि रिमाइंडर फॉर द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्शन। अच्छा, इसके बाद है नाउ बिल्डिंग अपॉन दीज थ्योरीज इन द सोशल कैग्नाइटिव थ्योरी विच ट्रांसेंड्स इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। अब सोशल कैग्नाइटिव थ्योरी क्या कहती है कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हमें अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए। दिस थ्योरी परपोजेस दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल हिज और हर एनवायरमेंट एंड द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, हमारा रोज़मर्रा मुख्तलिफ एनवायरमेंटल सिचुएशन से वास्ता पड़ता रहता है और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर उस एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज भी होता है। बेस्ड अपॉन दिस मॉडल पेशेंट हु एक्सपीरियंसेस ए नोटिसिबल बेनिफिट विद इनिशियल ट्रीटमेंट आर मोर लाइकली टू कंप्लाई विद द रिमाइंडर ऑफ द थेरेपी। ये बात भी सही है कि अगर शुरू की चंद डोजेस से बहुत अच्छा बेनिफिट पेशेंट को मिला तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट विल कंप्लाई द मेडिकेशन, और अगर उसको शुरू में ही बेनिफिट नहीं मिला बल्कि उल्टा एडवर्स इफेक्ट आ गए, कोई टॉक्सिसिटी हो गई, तो पेशेंट जो होगा वो फिर मेडिकेशन को कंटिन्यू करने में रिलक्टेंट भी होगा, हेजिटेट भी करेगा और फिर वो उस पाबंदी से मेडिकेशन लेगा भी नहीं, जिसकी वजह से जो है वो कंप्लाइंस का इशू डेवलप होगा। अच्छा जनाब, ये तो हो गया एक दो डिफरेंट मॉडल हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम एक और मॉडल पे, दैट इज़ हेल्थ डिसीजन मॉडल। तो हेल्थ डिसीजन मॉडल क्या है, कंबाइंस द हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड द पेशेंट प्रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड द पेशेंट प्रेफरेंस मॉडल, पर्टिकुलरली डिसीजन एनालिसिस, द बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी एंड हेल्थ बिलीव्स। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पेशेंट कंप्लाइंस अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिसीजन मॉडल्स आर, अब हम देख लेते हैं वो क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। जैसा कि जनरल हेल्थ बिलीव्स, जनरल हेल्थ बिलीफ क्या है पेशेंट का, वो कैसा फील करता है हेल्थ कि मैं अब ठीक हूँ या नहीं हूँ। स्पेसिफिक हेल्थ बिलीफ किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से कि उसकी हेल्थ कैसी है। पेशेंट प्रेफरेंसेस क्या हैं, आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये कहती है कि पेशेंट वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस को हर सूरत में कंसिडर किया जाए वाइल मेकिंग ए डिसीजन अबाउट द थेरेपी। अब वो थेरेपी कुछ भी हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो, मीन्स नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हो या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी हो, इवन आप सर्जरी करने जा रहे हैं तो पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस का ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट प्रेफरेंसेस में ये बात आती है कि अगर पेशेंट ये कह रहा है कि और उसकी डिजीज़ इतनी सीवियर नहीं है और वो ये कह रहा है कि मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर लूँगा, तो फिर आप उसको करने दें, उसकी प्रेफरेंस ये, या आप ज़बरदस्ती उसको मेडिकेशन ना दें। हाँ, अगर पेशेंट विलिंग है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे मेडिकेशन भी आप दे दें, दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि ये उसकी प्रेफरेंस है। तो उसमें फिर जो है वो हेल्थ आउटकम भी इम्प्रूव हो सकता है और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप जो है वो पेशेंट जो है वो ख़ुद भी विलिंग है क्योंकि मेडिकेशन लेने के लिए, तो उसका कंप्लाइंस भी बेहतर होगा। एक्सपीरियंस की जहाँ बात है, पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस उस ट्रीटमेंट के हवाले से कैसा है, या उस फिजिशियन जो प्रिस्क्राइबर है उसका क्या एक्सपीरियंस है, नॉलेज दोनों की कैसी है उस हवाले से, सोशल इंटरेक्शन। अब पता चला कि पेशेंट जो है वो इस किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको मिसगाइड करते हैं, सोशल इंटरेक्शन उसका ऐसी जगह पर है जो कि कहें उसको बता दें। अब मिसाल के तौर पर मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि एक ड्रग है फेनीटॉइन, फेनीटॉइन जो है वो उसको एज एंटी एपिलेप्सी भी यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में भी यूज़ किया जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कार्डियक एरिथमिया में भी यूज़ किया जाता है।
अब पेशेंट को मिसाल के तौर पर कार्डियक एरिथमिया है और दूसरा पेशेंट है उसी के जो सोशल इंटरेक्शन में उसको एपिलेप्सी है। अब उसको कार्डियक एरिथमिया के लिए उसने फेनिडोइन प्रेस्क्राइब कर दी, तो अब वो पेशेंट को जब दूसरे अपने फ्रेंड से डिस्कस किया मुझे फेनिडोइन प्रेस्क्राइब किया कार्डियक एरिथमिया के लिए, तो उसने उसको ये कहा कि अरे ये तुम्हें क्यों दे दी हार्ट के लिए, ये तो मुझे पेशेंट डॉक्टर ने लिखी हुई है एपिलेप्सी के लिए। अब देखें यहाँ पर ये मसला आ गया कि इनकम्प्लीट नॉलेज जो दोनों पेशेंट्स की है और उसकी वजह से जो सोशल इंटरेक्शन हुआ आपस में इन दोनों का और उसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और वो पेशेंट ने वो ड्रग लेना छोड़ दी कि नहीं ये तो एपिलेप्सी की दवा है, पता नहीं डॉक्टर ने किस तरीके से प्रिस्क्राइब मुझे कर दी या शायद गलती से प्रिस्क्राइब कर दी, तो ये फैक्टर भी सोशल इंटरेक्शन में आ सकता है। फिर आइए सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इसमें हम बात कर चुके हैं, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है, फीमेल जेंडर है, लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जो कि पुअर होते हैं, बाज़ दफ़ा ड्रग ख़रीद नहीं सकते, तो इस वजह से भी ड्रग की जो इसमें जो है वो कंप्लाइंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स या बिहेवियरल मॉडल्स हैं जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर जो कि हमें बता रहा है कि कंप्लाइंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमारा अब इसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं पेशेंट कंप्लाइंस एंड हेल्थ बिहेवियर मॉडल्स, उसमें ये लास्ट सब टॉपिक है। अच्छा, अब हम इसमें अगर हम बात करें तो हम ये कहें कि सिंस द डेटा ऑन द एक्सटेंट एंड कॉजेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस आर नॉट कंप्लीट, अटेम्प्ट्स टू इन्हेंस कंप्लाइंस आर हिंडर्ड। लाजिम बात है जब डेटा ही कंप्लीट नहीं है, हमारे पास बेस लाइन नॉलेज ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर हम अटेम्प्ट भी कैसे ले सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। जो लिमिटेड नॉलेज है उसी की बेस पर हमें जो स्ट्रेटजीज हम डिवेलप कर सकते हैं कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए वो हम करेंगे। It is important to identify the cause of for non-compliance before a plan to improve compliance can be implemented. Definitely, सबसे पहले हम exact cause मालूम करें कि उस patient में exact cause क्या है, क्योंकि हमने अभी different models देखे, हमने different factors देखे कि कोई जो है किसी को सिर्फ सुनाई नहीं दिया उस वजह से उसका compliance poor है, कोई किसी के पास buying power नहीं है medication की, cost is a factor, उस वजह से वो नहीं ले सकता, किसी का compliance poor इस वजह से है कि वो drug को जो है वो time पे इसलिए नहीं ले रहा कि उसको दिन में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा प्रिस्क्राइब की कर दी गई है, अगर दिन में 2 दफ़ा प्रिस्क्राइब कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या वंस डेली उसको अगर उस ड्रग की जो है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन है वो वंस डेली या ट्वाइस डेली प्रिस्क्राइब की जा सकती है, तो उसको जो है हमें देखना पड़ेगा कि इम्प्रूव करने की यानी उसकी कॉज क्या है ताकि उसको इसके हिसाब से एडजस्ट और कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने की स्ट्रेटेजी डेवलप की जाए। सो व्हेन डेवलपिंग ए कंप्लाइंस प्लान इट इज़ यूजफुल टू नोट दैट इंटरवेंशंस दैट कंबाइन कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड effective components are more effective than those with single components. Means cognitive वही सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, behavioral हैं, effective component हैं वही है कि दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा दी जा रही है, तो उनको देखने की ज़रूरत है। Various studies have shown that patient respond better when a therapeutic plan is developed with their participation. जैसे मैंने अभी बताया कि आजकल की modern जो मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर करती है, वो कहती है कि पेशेंट का पार्टिसिपेशन ट्रीटमेंट प्लान में ज़रूरी है और उसकी वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस का ख्याल करना चाहिए। जैसे मैंने उस वक्त इंसुलिन की भी मिसाल दी थी, तो उससे भी कंप्लाइंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, अब आइए हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी, यानी हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, जो ड्रग का जो ट्रीटमेंट रेजिमेन हो उसको सिंप्लीफाई रखें, पेशेंट एजुकेशन रिगार्डिंग बोथ द इलनेस एंड द मेडिकेशन, पेशेंट को पता हो कि वो कौन सी दवा किस मकसद के लिए ले रहा है, कंटिन्यूड पेशेंट रिमाइंडर ऑफ द थेरेपीज़ वैल्यू एंड एज वेल एज बेंच मार्क सेट्स टू इवेल्यूएट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द थेरेपी हैव ऑल हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंप्लाइंस। एक बेंचमार्क रखेंगे, देखें अगर आप ये देंगे 1 हफ्ते में आपकी ये इतनी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, और ये इसकी इम्पोर्टेंस है।
ये इस ड्रग की थेरेपी की वैल्यू है। तो उससे ये होगा कि पेशेंट खुद भी जज कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा अपनी कंडीशन के वो किस हद तक इम्प्रूव हुई है, और पॉजिटिव इफेक्ट आने की सूरत में वो ड्रग को कंटिन्यू करेगा और इससे कंप्लाइंस में भी बेहतरी आएगी। द डिस्कशन शुड इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेजिमेन एंड बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द ड्रग्स प्रिस्क्राइब। अच्छा, पेशेंट को जब डिस्कस करें तो डिस्कस करने के दौरान अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेजिमिन को कोशिश करें कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंप्लीफाइड हो, और बेनिफिट्स को ड्रग के डिस्कस करें, साइड इफ़ेक्ट्स अगर कुछ हैं तो ज़रूर डिस्कस करें, उसको पहले से बता दें। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट, अब ये है कि शुरू की चंद डोजेज में उसको सीवियर हेडेक होगा, पोस्टुरल हाइपोटेंशन होगा, तो वो उसको पहले से बता दें और उसको ये भी बता दें कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये वाले इफ़ेक्ट्स खुद ही खुद ब खुद सबसाइड हो जाएंगे। तो उससे ये होगा कि पेशेंट का कंप्लाइंस बेहतर होगा और उसको मालूम होगा कि ये साइड इफ़ेक्ट मुझे मालूम है, नोन है, मुझे ऑलरेडी प्रिस्क्राइबर ने या फार्मेसिस्ट ने बता दिए थे और ये एक हफ्ते रहेंगे और उसके बाद फिर मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स शुड टेक इनटू अकाउंट द टाइम एंड द फिजिकल कंस्ट्रेंट द पेशेंट मे फेस इन फॉलोइंग द थेरेप्यूटिक रेजिमेन एज वेल एज अदर फैक्टर्स दैट मे मॉडिफाई द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ कंप्लायंस। इसके अलावा इसको भी देख लें कि और कोई फिजिकल इशू तो नहीं है, यानी पैसों का मसला तो नहीं है, कॉस्ट का मसला तो नहीं है, इसके अलावा कोई और इशू तो नहीं है जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसको कंप्लायंस में इशूज़ डिवेलप होने शुरू हो जाएँ और वो मेडिकेशन टाइम पर ना ले। कंप्लायंस एड्स सच एज ऑर्गेनाइजर्स एंड रिमाइंडर्स इंक्लूडिंग ब्लिस्टर पैक्स, कैलेंडर पैक्स, डोजेज काउंटर्स, स्पेशल कंटेनर्स, कंट्रोल डिलीवरी डिवाइसेज एंड मीटर डोजेज फॉर्म्स मे बी इंट्रोड्यूस टू पेशेंट हु सिंपली फॉरगेट टू टेक देयर मेडिकेशन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स, रिमाइंडर्स लाइक ब्लिस्टर पैक्स जिसमें पूरा डला हुआ हो कि ये सैटरडे की ड्रग, संडे की ड्रग, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, पूरा इस तरह से वीक पैक हो, कि या जिसको कैलेंडर पैक भी हम कहते हैं, वो उसमें उसको पता होगा कि अगर उसने किसी डे की मिस की होगी तो वहाँ पर मौजूद होगा। या इनहेलर डिवाइसेज में कंट्रोल डिलीवरी डिवाइसेज होती हैं, जैसे मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं, तो इनहेलर्स होते हैं तो उसमें जो है वो ड्रग की जो है डिलीवरी जो है वो कैलकुलेटेड होती है और उसको मालूम होता है उसने वो ड्रग ली है या नहीं ली है। तो उसमें अगर ये कि पेशेंट जो है भूल सकता हो तो सिंपली फॉरगेट टू टेक देयर मेडिकेशन, तो उसमें हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरह की डिवाइसेस, कंटेनर्स और कैलेंडर पैक्स, ब्लिस्टर पैक्स बना के, या ऐसे कंटेनर बना के कि हमने कंटेनर बना दिए कि ये आज की ड्रग, ये या ये सुबह की ड्रग, ये दोपहर की ड्रग, ये रात की ड्रग, तो वो जो कंटेनर होगा वो उसमें पेशेंट ने अगर ली होगी तो दवा मौजूद होगी, नहीं ली होगी तो दवा मौजूद नहीं होगी, और अगर नहीं ली होगी तो दवा उसके अंदर मौजूद होगी, वो भूलेगा नहीं, अगर भूल रहा होगा तो वो उसको देख कर याद आ जाएगा कि उसने दवा ली नहीं ली। अनदर स्टडी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप दैट मे इम्प्रूव पेशेंट कंप्लाइंस। अच्छा, अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे भी हम बात कर चुके हैं कि जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे दोनों के दरमियान उससे भी कंप्लाइंस बेहतर होगा। फैक्टर्स दैट वर आइडेंटिफाइड इंक्लूडेड द डॉक्टर्स फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। डॉक्टर का फ्रेंडलीनेस बिहेवियर, अप्रोचेबल आसानी से है, उसको आसानी से अप्रोच कर सकता है पेशेंट किसी भी किस्म की मालूमात, फर्दर मालूमात के लिए। द एनहेंसमेंट ऑफ पेशेंट सेंटर्डनेस, के डॉक्टर कितना कंसर्नड है, पेशेंट सेंटर्ड है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डॉक्टर्स टीचिंग स्किल्स, डॉक्टर के कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल्स हैं पेशेंट के लिए कि वो उसको कंप्लाइंस के हवाले से जो है वो सही एजुकेट कर रहा है पेशेंट को। फार्मेसिस्ट के पास भी ये स्किल्स होने चाहिए क्योंकि जब फार्मेसिस्ट डिस्पेंस करके देता है तो वहाँ पे उसके एक और सेकंड पॉइंट होता है काउंसलिंग का, तो वहाँ पे ये जो टीचिंग स्किल्स हैं या जो काउंसलिंग स्किल्स हैं ये फार्मेसिस्ट के पास भी होने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं कि ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड इंफॉर्मेशन इज बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, दैट इज कम्युनिकेशन। कि ये मेक श्योर, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है सेंडर टू रिसीवर, यानी फार्मेसिस्ट या फिजिशियन का ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग अंडरस्टूड बाय द पेशेंट, मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड।
अच्छा, टीचिंग स्किल, इसके अलावा रिकग्नाइजिंग एनी स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस दैट मे बी ऑफ द इम्पॉर्टेंस टू द पेशेंट एज वेल एज एक्यूरेट रिकग्निशन ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम बाय द डॉक्टर। क्योंकि साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, स्पिरिचुअल इशूज़ हैं, उसको भी मालूम कर लें कोशिश करके, ताकि पेशेंट को जो है जब भी आप मेडिकेशन दें या जो भी मेडिकेशन दें वो उसको उसकी वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस से मैच करती हों, ताकि वो उसको कोई भी हिंड्रेंस ना आए। अच्छा, उसके बाद फिर रोल ऑफ फिजिशियन के अलावा द सम फीचर्स विल अप्लाई टू द फार्मेसिस्ट, द सेम फीचर्स विल अप्लाई टू द फार्मेसिस्ट हु हैव एन एवर इंक्रीजिंग रोल टू प्ले इन द काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एंड इम्प्रूविंग कंप्लाइंस। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे रोल फार्मेसिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि फार्मेसिस्ट आर इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग, और इस तरह से वो अपना रोल जो है बेहतर अंदाज में पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए प्ले कर सकते हैं। It is difficult to establish accurate and reliable data on the rates of non-compliance since the methods used to measure compliance all have issues. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिल्कुल accurate data determine करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो direct method में हमने बात की वो इन पेशेंट में, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में तो मुमकिन है, लेकिन उसमें भी मसला कॉस्ट का है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो टोटल सब्जेक्टिव होते हैं, पेशेंट की मेमोरी पे डिपेंड करते होते हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन पे होते हैं, तो जो कि बाज़ दफ़ा ये भी होते हैं, जैसे टूथब्रश इफेक्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। एनी वे, फार्मेसिस्ट शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच फैक्टर्स आर लीडिंग टू नॉन कम्प्लाइंस in an individual before establishing ways to increase compliance rates. So this is all about our discussion on patient compliance and health behavior model. After this second lecture, our topic is completed. Now we will meet for the discussion of another topic very soon. Thank you very much.